बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अभी अभी एक दोस्त ने एसएसटी मैथ बेसिक्स के 3 पेजेस, ये 2020 का पेपर है, 13/9/2020 को ये पेपर हो चुका है, उसके 3 पेजेस है, लेकिन मैं सिर्फ पहले 20 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हल करूंगा। बाकी अगर किसी को ये पेपर, ये 3 पेजेस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे ताकि मैं उसको सेंड कर दूं। वॉच कर ले, कल पेपर है, शायद कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, ये पेपर है हमारे पास, दिस वन। ये जरा पेपर को देखिए, ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एसएसटी बेसिक्स मैथ्स। ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन मर्ज डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर हो चुका था। तो इसमें जल्दी जल्दी से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि इन कंपटेंट स्केटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन द लार्जेस्ट चेंज इन वेव लेंथ अकर्स व्हेन द फोटॉन स्केटर थ्रू। इसका आंसर है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि रमजान के दूसरे आश्रय को क्या कहते हैं। रमजान के 3 आश्रय होते हैं, पहला रहमत का होता है, दूसरा मगफिरत का, और तीसरा निजात मिनन नार। ये तीनों याद रखे, शायद काम आ जाए। ऑप्शन ए जो है ना, ये पहला आश्रय है, आश्रय रहमत। अब ऑप्शन सी जो है ना, यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, आश्रय मगफिरत। ऑप्शन डी जो है ना, ये तीसरा आश्रय होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। अ टर्म यूज्ड बाय द टीचर टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट क्लासरूम लेसन्स रन स्मूथली डिस्पाइट डिसरप्टिव बिहेवियर बाय द स्टूडेंट। उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है उसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखे, अ सेटअप प्रोसीजर स्किल्स, ये भी पेडागॉजी का क्वेश्चन है। अ सेटअप प्रोसीजर स्किल्स डेट टीचर्स एम्प्लॉय इन देयर अटेम्प्ट टू एड्रेस एंड रिजोल्व डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, उसको कंडक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ये वो सेटअप प्रोसीजर्स है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है दोस्तों। ये 6-5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और 6 नंबर क्वेश्चन, ये माइनस इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यस, ये लिखा हुआ ट्रेपीजोडियल रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्टिव पैसिव का है। दे स्टोल द पेंटिंग लास्ट मंथ, ये पास्ट टेंस का है, और मैं चैनल पर एक्टिव पैसिव के जो रूल्स मैंने सिखाए उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस ये होगा, द पेंटिंग वॉज स्टोलन द लास्ट मंथ बाय देम, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द बेनिफिट फॉर द कंपनी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 10, 11 और 12 मैथमेटिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइम ले गया तो इसको स्किप कर लेता हूं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चूज द वर्ल्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू, इस लफ्ज के मानी है अपरातप्री, और इन नियरेस्ट मीनिंग अपरातप्री डिसऑर्डर को कहते हैं ना, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन, टेक दिस बुक ऑफ द टेबल, यानी इस किताब को मेज से उतार दो, टेक दिस बुक ऑफ
द टेबल, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 नंबर में लिखा है क्या है, इन द इंडस वाटर ट्रीटी द रूल ऑफ गारंटर वॉज प्लेड बाय वर्ल्ड बैंक, था ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 नंबर, द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज द, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है। और 17 नंबर क्वेश्चन जो है दिस वन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील चेंज फ्रॉम, इस क्वेश्चन को रीड करो, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18, द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, इसका ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट ऑप्शन भी है। और 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर, क्लासरूम डिसिप्लिन बिगिंस विद, ये कंफर्म नहीं है लेकिन मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं, इसको कंफर्म करना है अपने खुद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है ना, वो इस पर डिपेंड करता है, तो इसको आपने रीड करना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, 20 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ये लिखा है, व्हाट इज मेंट बाय द प्रेज मेंटल आई, मींस ओवर साइटेड, गहरी मुतालिया करना उसको अच्छी तरह से। और 21 नंबर क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द राइटर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। एवरी क्रिमिनल लीव्स अ नंबर ऑफ ट्रेसेस ऑफ क्राइम, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इस साइड के जो क्वेश्चन है, ये कुछ कटे हुए हैं तो इससे सही तरह रीड नहीं होते। और बाकी दो एक और पेज हैं, ये भी है, अगर किसी को चाहिए दोस्तों तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दे ताकि मैं ये 3 पेजेस आपको सेंड कर दूं। कल पेपर है, आप इसको थोड़ा सा वॉच कर ले, शायद थोड़ा बहुत आपका काम आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।